शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर देश के 15 लाख स्कूलों में 26 करोड़ छात्रों का भविष्य उज्जवल बना रहे 96 लाख शिक्षकों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में 9 करोड़ छात्रों का भविष्य उज्जवल बना रहे 15 लाख शिक्षकों एवं कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहे देश के लाखों शिक्षकों को आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामना। आज हम उस फरिश्ते को याद कर रहे हैं जो अज्ञानता के इस अंधेरे में हमें प्रेरणा की रोशनी दे रहा है। शिक्षक वह होते हैं जो अपना पूरा जीवन छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने में लगा देते हैं। शिक्षक वो होते हैं जो छात्रों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपना खून पसीना जलाकर छात्रों का भविष्य उज्जवल करते हैं। उन सभी शिक्षकों को आज इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर पुनः हार्दिक बधाई। दोस्तों, शिक्षक वो होते हैं जो बंद दिमाग को रोशन कर दे, जो अज्ञानता को प्रतिभा के सूरज में बदल दे। दोस्तों, शिक्षक वह होते हैं जो शिक्षा को ऊंचाइयों पर पहुंचा दे। उन सभी शिक्षकों को याद करते हुए और देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर जो एक शिक्षक से देश के राष्ट्रपति तक बने, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के छात्रों के भविष्य को उज्जवल करने में लगा दी। शिक्षक दिवस के अवसर पर ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भावभीनी याद करते हुए, स्मरण करते हुए, जिन्होंने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक भी ज्ञान को बांटने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी अपने फिजिक्स के टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर जी को हमेशा याद करते रहते थे, जिन्होंने उन्हें फिजिक्स की ललक जगाई। और फिर APJ अब्दुल कलाम ने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। हमारा सर गौरव से ऊंचा किया। उन्होंने देश को एटमी शक्ति दिया। दोस्तों, शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं छात्रों से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, तो शिक्षकों का सबसे पहले सम्मान करना सीखें, हार्दिक सम्मान करना सीखें। दोस्तों, मैं कहता हूं कि अगर आप शिक्षक का सम्मान करेंगे, आप कितनों भी कमजोर होंगे, शिक्षक की दुआ लगेगी और आपका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन अगर आप कितना भी तेज हैं, लेकिन अगर शिक्षक से आपने सम्मान नहीं किया, उससे डिसिप्लिन में रहकर बात नहीं किया,
तो दोस्तों आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। दोस्तों मैं आज भी जब अपने शिक्षकों को याद करता हूं तो उनके सम्मान में हमारे हृदय में विभोर हो जाते हैं। दोस्तों आज भी मैं अपने शिक्षकों को देखता हूं, अगर मैं कार से होता हूं तो कार को रोक कर पहले उन्हें मिलता हूं, उन्हें सलाम करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उनसे दुआएं लेता हूं। मैं अपने मिडिल स्कूल के टीचर जनाब मोहसिन साहब को याद करते हुए, जनाब रहमान साहब को याद करते हुए, जनाब नौशाद अख्तर साहब को याद करते हुए और पंडित जी जो कितने प्रेम से हमें पढ़ाया करते थे, उन्हें आज के दिन हार्दिक बधाई देना चाह रहा हूँ। और फिर हमारे हाई स्कूल के टीचर जनाब अब्दुल वदूद साहब, जनाब मसूद साहब, जनाब मुश्ताक साहब को भी याद करते हुए उन्हें शिक्षक दिवस के अवसर पर, क्योंकि उनसे हम दूर हैं, मिल नहीं सकते हैं, दिल में मिलने की आस है, तमन्ना है, मिल नहीं सकते, तो मैं इस मोबाइल के जरिए, यूट्यूब के जरिए उन तक शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामना भेजना चाह रहा हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूर्णिया के हमारे शिक्षक रिस्पेक्टेड साहू सर, रिस्पेक्टेड अख्तर सर, झा जी झा सर और हमारे जितने भी थे उन्हें भावभीनी बधाई और हार्दिक अभिनंदन उसका करता हूँ। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर हमारे पीएचडी के जो हमारे सर थे जनाब प्रोफेसर ए के झा सर, उन्हें आज याद करते हुए उन्हें शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाह रहा हूं। दोस्तों इन्हीं शिक्षकों के बदौलत, इनकी दुआओं के बदौलत आज मैं जो भी हूं, जिस मुकाम पे हूं, जो मैं शिक्षा बांटने की अधूरी कोशिश कर रहा हूं, वो इन्हीं शिक्षकों के सम्मान की वजह से हुआ। इसमें मेरी कोई कमाई नहीं है, इसमें मेरे कोई प्रतिभा नहीं है, शिक्षकों की दुआ मुझे लगी और मैं आज हजारों विद्यार्थियों के भविष्य बनाने में लगा हूं। दोस्तों शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं आप सभी छात्रों से ये कहना चाहूंगा, अगर आप भविष्य में उज्जवल होना चाहते हैं, भविष्य में कामयाब होना चाहते हैं, अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने शिक्षकों का सम्मान करना सीखें, हार्दिक सम्मान करना सीखें। जहाँ भी शिक्षक मिले है ना, उन्हें रिस्पेक्ट करें। छात्र कितना भी कमजोर हो, अगर वो शिक्षक का सम्मान करेंगे, शिक्षक का दुआ लेते रहेंगे, तो उनका भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। कितना भी तेज हो लेकिन अगर शिक्षक का सम्मान नहीं करेंगे तो वो कामयाब नहीं हो सकते, कामयाब होके भी नाकाम हो सकते। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।